ओके सो हे गाइस, वैसे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सब एकदम बढ़े होंगे। तो गाइस वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे वीडियो जो हमारी किस टॉपिक में वाली है। सो गाइस इस वीडियो में मैं जितने बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप सिंपली वीडियो को देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर आप चाहते हो कि आप सभी का अकाउंट मैं अपने इंस्टाग्राम में प्रमोट करूं तो यार आप सभी को करना है, वीडियो में आप सभी को एक कोड मिलेगा 4 डिजिट का, वो कोड मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करना है, मैं आप सभी अकाउंट बिल्कुल फ्री में प्रमोट करूंगा, ठीक है। एंड यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यार आप सभी के लिए यार ऐसे अमेजिंग कंटेंट आते रहते हैं 2 से 3 कंटेंट में गाइस रोज डाल दो। यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस बिना किसी रिकॉर्ड के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस देखिए पहले आप सभी को करना है गाइस इस बैकग्राउंड को आप सभी को डाउनलोड करना है गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद जाना है गाइस आप सभी को ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये रॉकेट का पीएनजी लेना है। इसका बिलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सिंपली डाउनलोड कर लेना, कोई बात कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस वीडियो को देखने के बाद। तो गाइस ये कोड ये रॉकेट का पीएनजी आप सभी को इस तरीके से लगा लेना है। एंड सिंपली आप सभी को करना है गाइस दोबारा जाना है ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद ये फायर का पीएनजी लेना गाइस, ठीक है। डन नहीं करना है गाइस, रॉकेट का पीएनजी लगाना है, डन मत करना, ठीक है। तो गाइस इस पीएनजी लगाने के बाद गाइस साइड में आपको येलो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाना है, नीचे डाउन कर देना गाइस, ठीक है। तो ये नीचे साइड पहुंच जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, अभी सही सिंपली सही से मतलब इरेज करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा तो लग जाएगा, ठीक है। तो ये डन हो गया गाइस, ओके। सो उसके बाद गाइस आप सभी को क्या करना है, उसके बाद गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को लेना है, ओके गाइस। एंड मॉडल का बैकग्राउंड गाइस पहले से मैंने रेस कर रखा है गाइस, जिसको बैकग्राउंड रेस करना नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो के लिंक है, दोनों को देखिए एंड दोनों में से जो आपको ईजी लगे उस सब बैकग्राउंड रेस कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस मैंने ये मॉडल को लगा लिया एंड सिंपली करना है डन। एंड गाइस उसके बाद जाना आप सभी को टूल्स में एंड एडजस्ट में जाना है, एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप सभी को उसका ब्राइटनेस को 0 कर देना है, इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट कर देना है एंड ब्रशेस में जाना है, जूम करके पैरों के नीचे आप सभी को इस तरीके से शेडो क्रिएट करनी है गाइस, ठीक है। तो शेडो क्रिएट कर लेनी है एंड सिंपली जो गाइस ये मेरे साइड में गलती से हो गया तो मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को यहाँ से डन करना है, ओके गाइस। सो डन करने के बाद गाइस आप सभी को उसकी ओपेसिटी को गाइस आपको अपने आप से हिसाब से रख लेना है, ओके। सो मैंने 68 तक रखा है। एंड उसके बाद गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में, दोबारा ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक लाइट का पीएनजी मिल जाएगा, मतलब जो कि गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो मैं गाइस ये लाइट का पीएनजी ले लेता हूँ पहले, ओके गाइस। सो ये रहा लाइट का पीएनजी, ये मैंने ले लिया एंड इसको कर देंगे हम स्क्रीन। एंड गाइस देखिए पीछे से हमारे जो गाइस ये लाइट आ रही है इसको इसके लिए हमने ये लगाया ताकि हमारे ऊपर रिफ्लेक्शन ना रहो, इसलिए थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए, इसलिए मैंने ये पीएनजी लिया। तो ओके गाइस ये लगा दिया। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को ऐड फोटो में जाना दोबारा से एंड एक पार्टिकल का पीएनजी लेना गाइस, ओके। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप सिंपली इसको भी डाउनलोड कर लेना। सो मैं इसको ले लेता हूँ पहले, गाइस पार्टिकल का पीएनजी लेने के बाद गाइस आप सभी को इसको फुल स्क्रीन कर देना है एंड ब्लेंडिंग मोड में जाकर आप सभी को उसको स्क्रीन कर देना है, ओके। सो उसको डन करते हैं ऐसे। एंड उसके बाद गाइस आप सभी का क्या काम रह जाता है, इस फोटो करना सेव एंड करना है कलर करेक्शन। तो हम इस फोटो इसको यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करके इस फोटो करते हैं सेव एंड चलते हैं बैक। एंड गाइस अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि यार मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ यार, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, ठीक है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबा दो। सो गाइस ये मैंने मॉडल को ले लिया गाइस, ठीक है। तो उसके बाद करना क्या है गाइस, आप सभी को ऑल फोटोज़ में जाके आप सभी को ले लेना है, अपनी फोटो को ओपन कर लेना है। एंड गाइस आप सभी को नीचे लाइट वाला ऑप्शन आ रहा है दिख रहा होगा, उसमें जाना है, कॉन्ट्रास्ट को कम कर देना है गाइस, मतलब बढ़ा देना है एंड हाईलाइट्स को कम कर देना है, शेडो को भी कम कर देना है, ब्लैक को भी कम कर देना है, ओके गाइस। सो जाना नीचे वाले टूल में, वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड जाना मिक्स में, रेड कलर के ह्यू को आगे की तरफ बढ़ा देना है एंड सैचुरेशन को कम कर देना है, ओके गाइस। सो जाना है अभी से येलो वाले में, गाइस ऑरेंज वाले में चलते पहले, ऑरेंज वाले में जाने के बाद इसकी ल्यूमिनस को बढ़ा देना है एंड येलो वाले में जाना है, ब्लू वाले में इसके सैचुरेशन को थोड़ा कम करना है एंड ये सेकंड ब्लू वाले को भी इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी कम करना है एंड ये पर्पल वाले में इसकी सैचुरेशन माइनस कर देनी है एंड पिंक वाले की भी, ओके गाइस। सो डन कर देना एंड जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की क्लियरिटी को बढ़ा देना है, ओके गाइस। सो इसमें डस्ट को भी कम कर देना है एंड विग्नेट डालना थोड़ा सा गाइस, ठीक है। सो ये विग्नेट डाल दिया गाइस एंड उसके बाद गाइस आप सभी को इसका ग्रेन अमाउंट बढ़ा देना है एंड जाना है गाइस नीचे वाले टूल में, ओके गाइस। सो इसकी फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देना आप सभी को एंड नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा देना है, ओके गाइस। सो कलर नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा देना है, ओके गाइस। सो हमारी फोटो एडिट हो चुकी है तो गाइस मैं आप सभी को एक बार आफ्टर एंड बिफोर दिखा देता हूँ एंड ये गाइस ये बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक, गुड बाय।